अदानी मामले में अब सेबी की जांच रडार पर है। सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने हलफनामा दाखिल किया है। सेबी ने अदानी मामले की जांच पर एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी, जवाब उसी पर है। हलफनामे में सेबी पर जरूरी कदम न उठाने, हितों के टकराव और नियमों को कमजोर करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। एफिडेविट में कहा गया है, साल 2014 के जनवरी महीने में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने सेबी को चिट्ठी भेजकर अंदेशा जताया था कि अदानी समूह ने UAE की अपनी एक कंपनी के जरिए भारत में भेजे गए सामान की बहुत ज्यादा कीमतें दिखाई हैं। चिट्ठी में अदानी समूह की तरफ से भारत से बाहर 2323 करोड़ रुपए भेजने का भी शक जताया गया था। साथ ही कहा गया था कि अदानी स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों की कीमत गलत तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एफिडेविट में कहा गया है कि UK सिन्हा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2017 में सिन्हा रिटायर हुए और अब वो अदानी समूह के TV चैनल में गैर कार्यकारी निदेशक हैं। हलफनामे के मुताबिक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले को छिपाया है। उसने सिर्फ यही बताया है कि अदानी समूह के बारे में उसकी जांच जून 2020 में शुरू हुई थी। इस जांच के तथ्यों को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि 24 पहलुओं की जांच हुई और उनमें से 22 की जांच मुकम्मल हो चुकी है। दाखिल किए गए जवाब में हाल ही में रिलीज हुई OCCRP रिपोर्ट का भी जिक्र है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस रिपोर्ट में भी शेल कंपनियों के जरिए अदानी कंपनियों के स्टॉक में लाखों डॉलर की खरीद की बात कही है।